बोलो पंच परमेष्ठी भगवंतों की जय। एक काय उत्सर कर लेते। आपको भी साथ में पाठ करना हो तो कर सकते हैं। मृत्यु मार्गे प्रवृत्तस्य वीतरागो ददातु मे समाधि बोधि पाथेयम् यावन् मुक्तिपुरी पुरः यावन् मुक्तिपुरी पुरः। मुक्ति ये बड़ी ई की मात्रा गलत बोल रहे हैं आप। इसको मुक्तिपुरी तिपुरी ती के साथ पुरी बोलना है। यावन मुक्तिपुरी पुरह। मृत्यु मार्ग पर प्रवृत्त अर्थात जिनेंद्र भगवान द्वारा बताए हुए मार्ग पर, और वो कौन सा मार्ग? संलेखना यानी मरण को गले लगाने का मार्ग। मरण को बुला नहीं रहा है, मरण आने पर उसके बड़े उत्सव के साथ उसका स्वागत कर रहा है। तो मृत्यु मार्ग पर प्रवृत्त में मेरे लिए वीतराग, वीतराग भगवान, समाधि बोधि पाथेयम ददातु। बोधि और समाधि रूपी जो पाथेय है, पाथेय का अर्थ होता है राह खर्च, राह खर्च, और उसमें नाश्ता पानी वगैरह बहुत सारी चीजें हो सकती है। कभी भी यात्रा के लिए निकलते हैं लोग तो फिर कुछ पैकिंग करके चलते हैं और कुछ पैसे भी साथ ले लेते हैं, ट्रेवलर्स चेक्स भी चलते हैं ना। ये सारी चीजें जो है वो पाथेय के अंतर्गत है। तो मुझे भी बहुत लंबी यात्रा करनी है तो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान मुझे ये चीज़ें देना, ये पाथे राह खर्च मुझे आप देना, मैं और किसके पास मांगने जाऊं? क्योंकि मार्ग आपने बताया, मंजिल पर आप पहुंचे तो आपको ही उसकी पूरी जानकारी है और आपके पास ही वो खर्च राह खर्च मुझे मिल सकता है, और किसी के पास जो चीज़ नहीं है वो मैं कैसे जा करके मांगूं? इसलिए आप ही मुझे ये देना। यावत, और कहाँ तक का देना? तो यावत जब तक पुरह मुक्ति पूरी, मोक्ष नगरी सामने आ जाए, तब तक वो खर्च समाप्त न हो, समाधि और बोधि मेरे साथ रहे, ऐसा मुझे आप प्रदान करना राह खर्च। अब इसका अनुवाद भी किया था, पद्यानुवाद, वो भी अगर पढ़ना चाहो तो फिर अपन उस लय में पढ़ सकते हैं जो अपन मंगलाचरण में पढ़ते हैं ना, चार शरण अगहरण जगत में, वो सबको सरल पड़ता है। और अपन जो हमने जो भीम पलासी राग में एक तैयार की थी इसकी लय, जो डिजिटल रिकॉर्डिंग के साथ जो सीडी बनी है, उसमें सबको सरलता नहीं हो सकती, वो संगीत का एक विशिष्ट राग है, इसको अपन सामान्य इसमें पढ़ते हैं। जीर्ण हुई मम जीवन रेखा, आज अतः मेरे स्वामी, हुआ मृत्यु की ओर अग्रसर, बन कर के शिव पथ गामी। जब तक मोक्ष नगर ना आए, मुझे मार्ग का व्यय देना, देना बोधि समाधि साधना,
काया में कितना रहना। ये भावानुवाद हमने इसलिए ऐसा किया है कि किसी को मृत्यु के समय भी अगर ये सुनने मिले तो वो तुरंत उसके भावों में चला जाए, उसको समझने में भारी ना पड़े, इसलिए ऐसे शब्द रखे हमने कि मम जीवन रेखा, मेरी जीवन रेखा जीर्ण हो गई है, यानी अब पुरानी पड़ गई है, जीवन समाप्ति की ओर है। तो आज अतः मेरे स्वामी हुआ मृत्यु की ओर अग्रसर, मैं मृत्यु की ओर अग्रसर हो गया हूं और बनकर के शिवपथगामी, मोक्ष मार्गी बनकर के मैं संलेखना की विधि से मरण को प्राप्त कर रहा हूं। आपके मार्ग का मैं उल्लंघन नहीं कर रहा हूं, मैं असंयमी होकर मनुष्य पर्याय को नष्ट करने नहीं जा रहा हूं, मैं व्रती बनकर मोक्ष मार्गी बनकर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र पूर्वक मृत्यु का वरण करने जा रहा हूं। क्योंकि अव्रत के साथ, असंयम के साथ मनुष्य पर्याय का अंत करना वास्तव में एक प्रकार का कलंक है, आध्यात्मिक कलंक। क्योंकि इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि जिस मनुष्य पर्याय में जो औदारिक शरीर अपने को प्राप्त हुआ है, उस औदारिक शरीर से एक मनुष्य तो निर्वाण को प्राप्त कर रहा है और एक ऐसा मनुष्य भी हो जो असंयम के साथ कुमरण को प्राप्त करे, कितना बड़ा दुर्भाग्य है। तो इसलिए मैं व्रतों को धारण करके मृत्यु आने के पूर्व ही संलेखना के लिए तैयार हो गया हूं। और जब तक मोक्ष नगर ना आए, अब ये मृत्यु जो मुझे प्राप्त हो रही है ये कोई अंत तो है नहीं, जीव द्रव्य का अंत है क्या मरण? नहीं, ये तो एक पर्याय छूट रही है, एक भव का अंत है। इसलिए अगला भव मुझे मिलेगा, फिर उसके बाद और कोई भव भी मिल सकता है। तो मैं तो हे भगवान आपसे प्रार्थना करता हूं, मेरे स्वामी, मेरे शब्द निकटता के लिए वाचक है, मेरे स्वामी जब तक मोक्ष नगर ना आए मुझे मार्ग का व्यय देना। रास्ता लंबा है, खर्चीला भी है और सारी चीजें मैं कैसे जुटा पाऊंगा अगर आप मुझे कुछ व्यवस्था या कोई सहयोग न दें, इसलिए आप मुझे मार्ग का व्यय देना। और क्या देना, मैं क्या मांग रहा हूँ? देना बोधि समाधि साधना, बोधि और समाधि की साधना मुझे देना। काया में कितना रहना, काया में अब मुझे कितना रहना है, एक न एक दिन तो मुझे निर्वाण प्राप्त करना है, इसलिए आप मुझे इतना देना, ये मेरी प्रार्थना है। कृमिजाल शता कीर्णे जर्जरे देह पंजरे भज्यमाने न भेतव्यम् यतस्त्वं ज्ञान विग्रह। अब फिर भगवान के शब्द, भगवान की वाणी संलेखना के समय स्मृति में आती है कि देखो भगवान ने क्या कहा था। गौतम स्वामी को भी भगवान ने उपदेश दिया था, भगवान ने श्रेणिक राजा को भी उपदेश दिया था और देवों को, तिर्यंचों को भी भगवान ने उपदेश दिया था। भगवान ने जीवों से यही कहा था कि जीव अजर अमर अविनाशी है, पर्याय का अंत होता है लेकिन द्रव्य शाश्वत रहता है। तो जैसे भगवान ही मुझसे कह रहे हूं संलेखना के समय कि तू डरना मत, देख तूने संलेखना को स्वीकार किया है, बड़ा अच्छा काम किया है, लेकिन संलेखना में ज्यों ज्यों मृत्यु निकट आएगी तो पूर्व संस्कारवश तेरा मन घबरा सकता है, क्योंकि मौत के नाम से बड़े बड़े धीर वीर भी कभी कभी विचलित होते हैं। ज्ञानार्णव ग्रंथ में लिखा है कि तब तक व्यक्ति अपनी शूरवीरता तक पर अकड़ता है, तब तक वो उछल कूद मचाता है जब तक यमराज की घंटी नहीं सुनता। यमराज की घंटी जैसे ही सुनाई देती है उसको,
एकदम उसकी उछल कूद बंद हो जाती है, दिमाग ठंडा हो जाता है कि अब मौत आ रही है, घबरा जाता है। तो यहां पर संलेखनाधारी के लिए संबोधन है, देह पंजरे जर्जरे, अब तेरा शरीर रूपी पंजर यानी पिंजरा संलेखना में काय संलेखना आदि की विधि से जर्जरित हो गया, जीर्ण हो गया, और वैसे भी उम्र ढल गई थी तो बुढ़ापा तो था ही। कदाचित एक अपवाद व्यवस्था ऐसी भी है कि वृद्धावस्था नहीं है लेकिन तो भी संलेखना की स्थिति बन जाए, वो एक वैकल्पिक व्यवस्था है। लेकिन एक साधारण व्यवस्था तो ऐसी है कि आयु पूर्ण होने जा रही है तो फिर संलेखना की विधि को अंगीकार करके शरीर को विसर्जित कर देते हैं। संलेखना से मरते नहीं हैं किंतु मरते समय संलेखना अपनाते हैं, और आत्महत्या से मरते हैं, मरते समय आत्महत्या नहीं करते, आत्महत्या से मरा जाता है, संलेखना से मरा नहीं जाता, मरण आने पर संलेखना को अपनाया जाता है। कितना अंतर है। तो देह पंजरे जर्जरे, तेरा शरीर रूपी पिंजरा जर्जरित हो गया, बहुत बूढ़ा पुराना हो गया। और कैसा है वो पिंजरा? तो कृमिजाल शताकीर्ण, सैकड़ों जीव जंतुओं के समूह से भरा हुआ है। अगर त्वचा को मैग्निफाई करके देखा जाए यंत्रों के माध्यम से, और स्नान करने के पहले अगर चेहरे की त्वचा को एनलार्ज करके देखा जाए तो आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। कान के अंदर अगर वो मैग्निफाइंग ग्लास से देखा जाए, या फिर कोई भी ऐसा हिस्सा किसी भी मल द्वार को देखा जाए, दांत के ऊपर देखा जाए, तो सैकड़ों जीव जंतुओं के समूह हैं। अभी पता नहीं है इसलिए अपन चैन से बैठे हैं, अगर एक छींक लेते तो पूरा कमरा जीव जंतुओं से भर जाता है, उड़ते हुए जीव जंतु ऐसे लहराते रहते हैं, पूरे जीव जंतु पूरे कमरे में, खांसी लेते समय, और फिर जिसके खांसने पर तो कमरा भर जाता है जीवों से, उस शरीर में कितने जीव होंगे कल्पना करो। तो इतने जीव जंतु, कृमि जाल शताकीर्ण, सैकड़ों जीव जंतुओं के समूह से भरा हुआ यह शरीर रूपी जर्जरित पिंजरा भज्य माने नष्ट हो रहा है। यानी मरण के समय होता क्या है? शरीर छूटता है। तो कहते हैं कि इसके नष्ट होने पर न भेतव्यम, तुम डरना मत, शरीर नष्ट हो रहा है तो शरीर नष्ट होने पर तुम घबराना मत। क्यों? डर तो लगता है मरण से। अभी अगर समाचार मिल जाए कि हिम्मतनगर में आज के दिन किसी की मृत्यु होने वाली है, हर कोई सोचेगा कि कहीं मेरी तो नहीं होने वाली। घबराहट होती मृत्यु का नाम सुनते ही। यहां पर कहते हैं कि तुम डरना मत। क्यों? यतः क्योंकि तुम ज्ञान विग्रह, ये शरीर तुम्हारा है ही नहीं, तुम तो ज्ञान शरीर ही हो। ये शरीर तो पुद्गल द्रव्य है, तुम्हारा शरीर तो ज्ञान है, क्योंकि आत्मा का जो गुण होगा वही तो आत्मा का होगा ना, पर द्रव्य कैसे हो सकता है अपना। तो चूंकि तुम ज्ञान शरीर ही हो, मृत्यु से घबराना मत। कृमि गण पूरित जरा जर्जरित, कारा है मानव काया, कारा क्या होता है? कारावास शब्द सुना आपने? क्या होता है? जेल का आवास। तो कारा का मतलब जेल है, बंदी गृह। अपने कर्म उदय के कारण,
मैंने यह बंधन पाया, यदि यह नश्वर नष्ट हो रही मैं काहे को घबराऊं, मैं हूँ ज्ञान शरीरी चेतन, क्यों समाधि ना अपनाऊं। अभी जो भावना आ रही है हृदय में, वो अगर उस समय आ जाए तब तो आनंद आ जाए। ज्ञानिन भयं भवेत् कस्मात्, प्राप्ते मृत्यु महोत्सवे, स्वरूपस्थ पुरं याति, देही देहांतरस्थितिम्। ज्ञानिन भयं भवेत् कस्मात्, प्राप्ते मृत्यु महोत्सवे। मृत्यु इसके साथ मिला करके महोत्सवे बोलना है। मृत्यु को अलग बोल रहे हैं आप, अभी आप क्या बोल रहे हैं, प्राप्ते मृत्यु ऐसे बोल रहे हैं इसको, प्राप्ते। आप हमारे बात आवाज पर ध्यान दीजिएगा, प्राप्ते मृत्यु महोत्सवे, प्राप्ते मृत्यु महोत्सवे। बच्चे जल्दी सीख जाते हैं। अभी शाम को जो हम सिखाते हैं ना दर्शन पाठ, तो वो पकड़ लेते हैं बात को। आप थोड़ी देर बच्चे बन जाइए। प्राप्ते और मृत्यु महोत्सवे, मृत को थोड़ा लंबा कर दिए और त्यु महोत्सवे एक साथ बोलना है। प्राप्ते मृत्यु महोत्सवे। अब वो पुराना जो रिकॉर्ड चल रहा है वो तो चलेगा, क्या करोगे। स्वरूपस्थ पुरं याति, देही देहांतरस्थितिम्। ज्ञानिन, देखो जो संलेखना अंगीकार करने वाला रत्नत्रय का धारी है, एक देश हो या सकल संयम रूप हो, लेकिन है तो ज्ञानी जीव, क्योंकि जिसने अपने ज्ञान पर अमल किया वही तो सच्चा ज्ञानी है। और सच्चा ज्ञान उसी को कहते हैं कि वो फिर किसी से पूछना नहीं पड़ता, बस जान लिया, रियलाइज कर लेना, रियलाइज कर लेने वाला फिर उस पर कदम बढ़ा ही देता है। जैसे अग्नि से जलते हैं, ये बात हर कोई जानता है, और अग्नि पर गर्म की हुई वस्तु को छूने से भी हाथ जलता है, ये सबको पता है। पर कभी कदाचित ऐसी स्थिति बन जाए कि गर्मा गर्म चाय कप प्लेट में आपके सामने हो, और संयोग से कभी कभी ऐसा भी होता है कि उसका कप का हैंडल नहीं होता, टूटा होता है, लेकिन चाय पीनी पड़ती है, पीनी होती है, पड़ती क्या, तो उस समय क्या करें, तो उस समय ऐसे हाथ से उठाते हैं, लेकिन बहुत गर्म हो तो क्या होगा, हाथ जलेगा। तब आप पूछेंगे किसी से क्या करना, आप हाथ बहुत तेज जल रहा है क्या करना, नहीं, उसको छोड़ देंगे, लगे हाथ छोड़ देंगे। उसी प्रकार जिसको इस बात का एहसास हो जाता है कि विषय कषायों में कोई सार नहीं है, वो किसी से पूछता नहीं कि विषय कषाय छोड़ूं या रहने दूं, ये इशारा है उसका, इसको कहते हैं ज्ञान। और छोड़ूं या नहीं छोड़ूं इसको कहते हैं जानकारी।
जानकारी, मतलब वो जानकारी प्राप्त करना चाह रहा है कि छोड़ू या नहीं, वो जानकारी है ऑलरेडी सभी को, सबको पता है। तो वो चीज जब अंदर घटित होती है, जिसने ये काम कर लिया वो ज्ञानी है। यानी मृत्यु के पूर्व जिसने ये तैयारी कर ली, व्रत धारण कर लिए और संलेखना की विधि को अंगीकार कर लिया, बस वो ज्ञानी जीव है। और आत्मा अनात्मा के भेद को जानने वाला भी ज्ञानी जीव है। तो हे ज्ञानिन, मृत्यु महोत्सवे प्राप्ते, तुझे मृत्यु महोत्सव प्राप्त हुआ है क्या? एक आदमी वो है जो एक आम मौत को प्राप्त हो रहा है, और तू वो है ज्ञानी जीव जिसकी मौत भी महोत्सव बन गई है। देखो, मौत शब्द उर्दू शब्द है, लेकिन बना किससे है? मृत्यु से बना है। मृत्यु से ही मौत ये शब्द बन गया। तो उर्दू भाषा भी इंडिया में तैयार हुई है। अभी एक राजेंद्र किशन नाम के कोई गीतकार हुए हैं, उनने अपने इंटरव्यू में बताया कि उर्दू भाषा मुसलमानों की भाषा नहीं है, उर्दू भाषा हिंदुस्तानी भाषा है। क्योंकि हिंदुस्तान में जब मुगल लोग आए तो हिंदी के कुछ शब्द और अरबी फारसी के कुछ शब्द मिक्स करके उसको एक तीसरी भाषा का रूप दे दिया जिसका नाम है उर्दू। और उर्दू में कुरान शरीफ लिखा गया, अरबी में कुरान मजीद लिखा गया था। तो भाषा हिंदुस्तानी है, मौत शब्द बना है मृत्यु से। तो एक वो मौत मरने वाला है जो न चाहते हुए भी मृत्यु को प्राप्त कर रहा है। कौन चाहता है मरना? अब कभी तकलीफ ज्यादा होती है तो फिर व्यक्ति सोचता है कि मर जाए। अब कायदे से देखा जाए तो वो तकलीफ से भाग रहा है, मरना कौन चाहता है? वो तकलीफ से भाग रहा है। हर चीज व्यक्ति तकलीफ से बचने के लिए करता है। अभी जैसे आप यहां सभा में बैठे हैं, बैठे बैठे कई बार आप अपनी मुद्रा बदलते हैं, क्यों? ना बदले तो तकलीफ होती है इसलिए। और जो कुछ भी करते हैं आप जीवन भर, बचपन से वृद्धावस्था तक, सुबह से शाम तक, क्यों करते हैं? तकलीफ से बचने के लिए। रसोई घर में खाना बनाते खड़े खड़े, उस गर्मी को सहन करते हैं। गर्मी के मौसम में 47 टेम्परेचर हो तो भी रसोई घर का कोई त्याग नहीं करता। वहां जाकर के इतना परिश्रम करते हैं, क्यों? तकलीफ से बचने के लिए। भले तकलीफ हो, तकलीफ से बचने के लिए तकलीफ हो, लेकिन परिणाम कुछ राहत रूप होता है, इसलिए वो प्रयास करता है। इसी प्रकार आत्महत्या करने वाला भी राहत पाने के लिए आत्महत्या करता है, और कोई कारण नहीं है। भले उसको आप बेवकूफी कहो, भले उसकी अज्ञानता कहो, उसकी नादानी कहो, लेकिन उसका लक्ष्य क्या है उसके हृदय से पूछो। वो उस वर्तमान कष्ट को सहन नहीं कर पा रहा है, इसलिए क्या कर रहा है? उस कष्ट से बचने के लिए, उस कष्ट से भागने के लिए वो कदम उठा रहा है। ये बात अलग है कि उसको ये विवेक नहीं है कि पाप के उदय से कष्ट होता है और मरने से पाप नष्ट नहीं होता। पाप को नष्ट करने के दूसरे उपाय है, उस उपाय को वो नहीं जानता और फिर मर कर सोचता है कि मैं बच जाऊंगा पाप के फल से। जबकि इस तरह से मरने पर तो नया पाप और साथ में आ जाएगा सिर के ऊपर, तो अगले जन्म में जितना कष्ट आज हो रहा था उससे और अधिक कष्ट होगा। ये उसको पता नहीं है, वो सिर्फ इतना जानता है कि अब मर जाऊंगा तो ये कष्ट तो छूटेगा, ये उसकी कोशिश है। तो इस प्रकार नादानी होती है। यहां पर कह रहे हैं कि हे ज्ञानिन, तुझे तो मृत्यु महोत्सव प्राप्त हो रहा है। सामान्य व्यक्ति तो एक साधारण मौत मरता है, और तू संलेखना पूर्वक रत्नत्रय धारण करके मरण का वरण कर रहा है। कितना फर्क है तुझ में और उनमें। और तेरी वर्तमान अवस्था में और अतीत के अनादि काल के अनंत भवों में जो तूने मरण को प्राप्त किया, उनमें कितना फर्क है।
इसलिए मृत्यु महोत्सवे प्राप्ते, मृत्यु महोत्सव के प्राप्त हो जाने पर भयम कस्मात भवेत, डर किससे लग सकता है, डर किससे लग सकता है। इतना सुंदर, कभी कोई बर्थडे की पार्टी हो या फिर कोई बहुत बड़ा उत्सव हो तो उस उत्सव में लोग ऐसे कांपते हुए आते हैं कि अंदर पंडाल में घबराते हुए नहीं, बड़े उत्साह के साथ आनंद के साथ आते हैं। उसी प्रकार तुझे मृत्यु महोत्सव की प्राप्ति हुई है, डर किससे लगेगा तुझे, अर्थात डर का कोई कारण नहीं है। स्वरूपस्थ देही, क्योंकि तेरा देही, देखो देह और देही क्या अंतर है इन दोनों में। देह का अर्थ तो सब जानते ही हैं, शरीर, और देही किसको कहते हैं, देही, देहो विद्यते यस्य स देही, जिसका शरीर है उसको देही बोलते हैं। किसका शरीर है, तो जिसने आकर अपने नाम कर्म के उदय से शरीर की रचना की है मां के गर्भ में, और उसके बाद में फिर कर्मोदय से उसको विकसित अधिक किया है, भोजन पानी से उसका संवर्धन आदि किया है, उसका संरक्षण किया है, वो जीव ही देही है। ये शरीर किसका है, जिसने धारण किया है उसी का है। वस्त्र किसके हैं, जिसने धारण किए हैं उसके हैं। घर किसका है, जो उसका मालिक है उसका है। यही व्यवहार नहीं कि यही व्याख्या है, तो उसी अपेक्षा से ये कथन है कि देही, देही यानी शरीरी जो जीव है वो, वह स्वरूपस्थ इस समय संलेखना काल में स्वरूपस्थ। स्वरूप किसको कहते हैं, दर्शन ज्ञान चरित्र को ही जीव का स्वरूप कहा जाता है, इसमें कोई संदेह तो नहीं है। स्वरूप किसको कहोगे, दर्शन ज्ञान चारित्र को। तो दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित वह जीव देहांतर स्थितिम पुरम याति, नवीन शरीर में नए नगर में रहने जा रहा है। और नए नगर में रहने जाता है जब कोई, तो पुराने कुछ संगी साथी तो यहां रह जाते, छूट जाते हैं, लेकिन नए स्थान पर जब वो रहने जाता है तो वहां वो रोते कूटते हुए नहीं जाता, वो बड़े शांत भाव से बड़े आनंद के साथ प्रस्थान करता है, जाता है। जैसे कई बार होता ही है ऐसा कि अब हिम्मतनगर में आप लोग क्या मूल निवासी हैं, सब अगल बगल के गांवों से ही तो आए ना, और कहीं से आए होंगे, कोई यहाँ हिम्मतनगर में अनादि से है क्या, बताओ पहले। नहीं, अब अनादि की बात तो छोड़ो, आप अभी अपनी वर्तमान पर्याय में भी ऐसे कितने लोग हैं जो यहाँ पर पैदाइशी हैं, यहाँ बड़े पुराने लोगों की बात कर रहे हैं, पैदाइशी हैं क्या हिम्मतनगर के, तो पता चलेगा कि भाई सभी इधर उधर से आ करके रहते हैं, तो आ करके रहने लगे, जहाँ रहने लगे बस वही अपना ठिकाना हो गया, वही अपना निवास बन गया। तो जब कभी नए निवास पर कोई रहने जाता है तो फिर वो अफसोस नहीं करता, किंतु एक उत्सव मनाता है। उत्सव कैसा मनाता है, सबको आमंत्रित करता है, शांति विधान, भक्तामर विधान और बहुत सारे ऐसे धार्मिक अनुष्ठान भी करता है, और फिर कभी ऐसी भी भावना करता है कि गुरुजी अगर हों तो उनके चरण भी पड़ जाए। नहीं चाहता ऐसा, जरूर चाहता है, और फिर कभी कोई ऐसा निमित्त बन जाए तो फिर गुरु का आगमन भी हो जाए। मान लो वो आहार के लिए, गुरु के आहार दान के लिए पड़गान को खड़ा हो जाता है और गुरु का अभियोग अभिग्रह वहां बन जाता है, तो फिर उसके घर आहार भी हो सकते हैं, तो कितनी खुशी होती है उसको। तो नए स्थान पर जाने पर खुशी होनी चाहिए, घबराहट नहीं होनी चाहिए। बस वही बात यहां संलेखना के समय बताई जा रही है कि हे ज्ञानी जीव, मृत्यु महोत्सव का समय है, तो डर किससे लग रहा है तुझे, डरने की क्या बात है। अपने स्वरूप में स्थित आत्मा यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र धारण करने वाला जीव संलेखना के समय देहांतर स्थितिम पुरम याति, नवीन शरीर को धारण कर लेता है,
इस पुराने शरीर को छोड़ जाता है तो इसमें डरने की क्या बात है। कभी अपने कपड़े पुराने हो जाएं और अपन उतार कर नए कपड़े पहनते हैं तो क्या चेहरा उतर जाता है, या फिर नए कपड़े से डर लगता है कि पता नहीं इस कपड़े में क्या है, कोई कीड़ा वीड़ा ना हो ऐसा होता है कि अच्छे स्वच्छ साफ सुथरे नए कपड़े पहनते समय किसी को डर नहीं लगता और पुराने कपड़े उतारते समय भी किसी को घबराहट नहीं होती, वो बिल्कुल यूं ही उतार देता है और प्रसन्नतापूर्वक नवीन शरीर को धारण कर लेता है। जब कोई जन धूमधाम से अन्य नगर रहने जाता, नव निवास के शुभ अवसर पर वह न तनिक भी घबराता, मृत्यु महोत्सव की बेला में ज्ञानी तुमको भय कैसा, आत्मलीन चेतन को नूतन तन मिलता कंचन जैसा। अनुप्रास अलंकार है, अलंकार से भाषा बहुत सरस हो जाती है। आत्मलीन चेतन को नूतन तन मिलता कंचन जैसा, चेतन नूतन तन कंचन सब न न न से समाप्त होने वाले शब्द हैं। माने वैकृत शरीर प्राप्त हो जाता है ना, संलेखना से जिसकी मृत्यु हो रही है उसको देव पर्याय मिलने वाली है, तो नया शरीर है। अब यहाँ पर कोई दृष्टांत नहीं है कि जो आपको सबसे ज्यादा पसंद हो, तो बोले कि सोने जैसा सुंदर शरीर मिल जाता है कंचन जैसा। तो इस प्रकार संलेखना धारण करते समय अपनी विशुद्धि बढ़ाने के लिए ये सारे पद हैं। फिर चौथे काव्य में, इस काव्य का अनुवाद हमने आचार्य से पूछा था, फिर आचार्य ने जो बतलाया उसके अनुसार हमने इसका अन्वयार्थ लिखा हुआ है इसमें। सुदत्तम प्राप्यते यस्मात् दृश्यते पूर्व सत्तमैः भुज्यते स्वर्भवन सौख्यम मृत्युभीतिः कुतः सताम। देखो फिर एक साथ बोला आपने विसर्गों को, मृत्यु भीति कुतः सताम, ऐसे रुक रुक करके बोलना है, कहीं भागना तो है नहीं। अभी अगर जल्दी जाना हो तो फिर अपन फिर सोचें, कल अगले संडे कर लो इसको, लेकिन विसर्गों का उच्चारण व्यवस्थित करना चाहिए। सुदत्तम प्राप्यते यस्मात् दृश्यते पूर्व सत्तमैः भुज्यते स्वर भवन सौख्यम मृत्यु भीतिः कुतः सताम। सताम, सताम यानी सत्पुरुषों के लिए। मृत्यु भीति कुतः दृश्यते, माने सत्पुरुषों के पास मृत्यु की भीति, भीति का अर्थ डर, ये भीत नहीं है दीवार नहीं, भीति का अर्थ डर है। तो मृत्यु का डर सत्पुरुषों के पास कुतः दृश्यते, कैसे देखा जा सकता है, यानी सत्पुरुष मरण से नहीं डरते, उसका कारण भी है, क्योंकि डरे वो जिसने गलती की है। जो सत्पुरुष है जिसने हमेशा अच्छे काम किए हैं उसको डरने की क्या बात, अब उसको कोई अनिष्ट फल मिलेगा क्या, जिसने पुण्य कमाया है क्या उसको पाप का फल मिल सकता है, नहीं मिल सकता। जब पुण्य कमाने वाले को पुण्य का फल मिलता है तो फिर पुण्य का फल पाने वाले को डरने की क्या बात है, कितना सीधा गणित है। तो इसलिए सत्पुरुषों को मरने से डर नहीं लगता क्योंकि उनकी दुर्गति नहीं हो सकती।
डर किसको लगता है? जिसने जीवन भर बहुत सारे उल्टे सीधे काम किए हैं, उसको डर लगता है कि मरने के बाद पता नहीं क्या होगा, कहां पहुंचता हूं भगवान जाने, वो घबराएगा। सच्चा नहीं डरता जमाने से, गंभीर सागर महाराज जी एक डायलॉग बोला करते अक्सर, सच्चा नहीं डरता जमाने से। तो यहां पर जो सत्पुरुष हैं, सज्जन हैं, सदाचारी हैं, उनको मृत्यु भीति कुतः, मरने से डर कैसा? यस्मात, जिस मृत्यु के कारण पूर्व सत्तम ही सुदत्तम प्राप्यते, पूर्व काल के जो सत्तम, सत्तम यानी श्रेष्ठतम महापुरुष, पुराण पुरुष लोगों ने सुदत्तम प्राप्यते, सुदत्त यानी सुपात्रों को दिया हुआ दान प्राप्त कर लिया, वापस प्राप्त कर लिया। वापस प्राप्त करने का मतलब क्या? जैसे इसका एक उदाहरण, अकृत पुण्य ने सुव्रत मुनिराज को मां द्वारा दिए गए खीर के दान की अनुमोदना की थी, बहुत खुश हुआ था वो बच्चा अकृत पुण्य। मां का नाम आपको याद हो? मृष्टदाना। मृष्टदाना जो वैसे नाम आजकल ये ऐसे नाम नहीं मिलते कहीं किसी के, लेकिन वो नाम है, पौराणिक नाम है। तो मृष्टदाना माँ जब सुव्रत मुनिराज को खीर का आहार करा रही थी, तब अकृत पुण्य बहुत खुश हुआ, उसने दान को अनुमोदना की, और उस अनुमोदना से क्या परिणाम निकला? अगली बार जब उसको मनुष्य पर्याय प्राप्त हुई, तो पैदा होते ही बगीचे से सिक्कों से भरा हुआ घड़ा निकला। थोड़े दिनों बाद फिर से दूसरा घड़ा निकला, फिर वो हल को खिलौना समझ करके चलाने लगा, तो खेत में से और एक घड़ा निकला, और जहां जाए वहां पर उसको संपदाएं प्राप्त होने लगी। तो क्या हुआ? अगर अकृत पुण्य की पर्याय में मरण नहीं होता, तो फिर उस पुण्य का फल कहां से मिलता अगले भव में? अगला भव ही नहीं होता, तो फिर अगले भव में मिलने वाला पुण्य फल कैसे प्राप्त हो सकता? तो ये तो मृत्यु की कृपा थी कि जिस मृत्यु के कारण उसको अगला भव प्राप्त हुआ, और अगले भव में उस पुण्य का, सत्पात्रों को दिए हुए दान द्वारा कमाए गए पुण्य का फल प्राप्त हुआ। तो यस्मात् सुदत्तम प्राप्यते, पूर्व सत्तम ही, पूर्वकालीन जो पुराण पुरुष हैं उन्होंने इसका फल प्राप्त किया था। और क्या प्राप्त हुआ था? स्वर्ग भवन सौख्यम भुज्यते, स्वर्ग में उत्पन्न होने वाले सुख को भी उन्होंने भोगा था। तो जिस मृत्यु की कृपा से स्वर्ग के सुखों को भोगा जाता है और सुपात्रों को दिए गए दान का फल प्राप्त किया जाता है, उस मृत्यु से सत्पुरुषों को डर कैसा? जिनने पुण्य कमाया उनको मृत्यु से डर नहीं लगता, पापी लोग डरे? रास्ते पर कभी पुलिस फोर्स निकल जाए तो पुलिस फोर्स को देखकर आपको कभी डर लगता है? डर किसको लगता है? सीधी बात है, डर उसको लगता है जिसने कोई ऐसा काम किया है कि जिस कार्य के कारण पुलिस का खतरा पैदा हुआ है, और जिसने ऐसा कोई काम ही नहीं किया कि पुलिस का खतरा हो, उसको कभी डर नहीं लगता। वो तो इंस्पेक्टर के सामने से भी निकल जाता है बढ़िया अच्छे तरीके से, उसको काय का डर? तो इसी प्रकार जिसने जीवन में अच्छे काम किए हैं, उसको मरने से डर नहीं लगता, क्योंकि उसकी मृत्यु उसको दुर्गति में नहीं ले जा सकती, बल्कि उसकी मृत्यु के परिणाम स्वरूप उसको स्वर्ग का सुख मिलने वाला है, और उसने जो जीवन में सत्पात्रों को दान दिया है, उस दान का भी फल प्राप्त होने वाला है। सत्पुरुषों ने सत्पात्रों को, जो जो उत्तम दान दिया, स्वर्ग सुखों के संग उसे फिर, मृत्यु कृपा से प्राप्त किया,
तब सज्जन क्यों डरे मृत्यु से, जो चेतन को हितकारी इष्ट प्रदाता को इस जग में कौन कहेगा अपकारी। अपकारी और उपकारी दोनों में फर्क है ना। अपकार किसको बोलते हैं? बुरे को। और उपकार किसको बोलते हैं? भले को। तो उपकारी कह लो, हितकारी कह लो, अपकारी कह लो या अहितकारी कह लो, तो जिस मृत्यु से अपने को इष्ट की प्राप्ति हो रही है वो मृत्यु इष्ट प्रदाता है, और जो इष्ट प्रदाता है उसको आप अपकारी कैसे बोल सकते हैं? वो तो उपकारी है, हितकारी है। इसके आगे अपन अगली बार स्वाध्याय करेंगे।